क्या हाल है? तो गाइस स्वागत है आपका हमारे इस तड़कती भड़कती जंगली जवानी टाइप वीडियो में। और आज हम बात करेंगे उस शादी की जो फाइनली अब जाके संपन्न हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने अनंत भाई की शादी यानी अनंत अंबानी की शादी की। भाई साहब, इस शादी ने लोगों को बताया कि सालों तुम कितने गरीब हो और हम अंबानी कितने अमीर हैं। इस शादी के माध्यम से हमें पता चला कि जितना पैसा एक आम आदमी अपने पूरे मोहल्ले को मिला के पूरी जिंदगी में नहीं कमाता ना, उतना अंबानी एक शादी में उड़ा देते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस शादी में कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा हो चुका है। अब इतनी धनराशि को सुन के पाकिस्तान वाले बोल रहे इतने पैसे होते ही नहीं है। होते हैं लक्ष्मण, होते हैं, अंबानी के पास हैं। अबे ये जो अनंत अंबानी ने कुर्ता पहन रखा है ना, यही करोड़ों का है। अबे मुझे इस कुर्ते की स्लीव सी मिल जाए ना, मेरे तो उसी में जिंदगी सेट हो जाएगी भाई साहब। अबे जब कुर्ता करोड़ों का है तो स्लीव तो 2-4 करोड़ की होगी ही होगी। बात तो सही है। मेरा ना अनंत अंबानी को एक पर्सनल मैसेज है भाई, अगर कभी तुमको ये कुर्ता दान देना हो ना तो भाई को दे देना। अरे मैं पूरी जिंदगी का जियो का सब्सक्रिप्शन ले लूंगा यार। अब देखो अंबानी अंबानी यूं ही नहीं कहलाते, मतलब जो रिहाना पूरे दुनिया में गाती फिरती थी कि भाई साहब इंडिया एक गरीब देश है, उसी गरीब देश के एक आदमी ने उसको अपने बेटे के एंगेजमेंट में नचवा दिया था। मतलब राजा महाराजाओं वाले शौक है भाई साहब अंबानी जी के, लौंडिया नचवा रहे लौंडिया। एनीवे अंबानी जी की शादी की गेस्ट लिस्ट कुछ ज्यादा ही लंबी रही। मतलब क्या बॉलीवुड, क्या हॉलीवुड, क्या क्रिकेटर, यहाँ तक कि WWE के स्टार तक आए थे भाई। अबे जॉन सीना भाई भी अपना आइकॉनिक स्टेप वाला डांस करके गए भाई साहब। कर लो पहले। मुझे तो लगता है अंबानीज ने जॉन सीना को सिर्फ इसलिए बुलाया होगा कि जयमाला के वक्त कोई तो बॉडी बिल्डर हो अनंत को उठाने के लिए। सबसे पहले घबराना नहीं। अबे अंबानी इतने अमीर है कि अपनी बेटे की शादी में रजनीकांत सर को नचवा दिया यार। हल्के में मत लेना। ले भैया ओम फो धरनाटे काट रही है। शादी में सब मजे कर रहे थे लेकिन सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो बिल्कुल फोकस था, वो है अपने सलमान भाई। सलमान भाई का ध्यान एकदम केंद्र सरकार पे था भाई साहब। मोटे हरी मैडम मोटे पपीते तेरे मोटे मैं फोन यारी ले हूं मोटे तेरी जान कसम ले मोटे। ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? हंसकाए रहे हो बे, आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। बात तो सही है। अब चाहे यार अंबानी कितने भी अमीर हो, एक बंदा ऐसा है जिसको अंबानी खरीद नहीं पाए। अबे पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम को, मतलब अंबानी चाहते थे कि बाबर आजम आके उनके बेटे की शादी में लाल कबूतर वाला डांस कर दे। लाल कबूतर, लाल कबूतर, लाल कबूतर। पर बाबर आजम ने पैसे सुन के मना कर दिया। वो बोल रहा था इतने पैसे होते ही नहीं है। मतलब ये शादी इतनी लंबी चली है, इतनी लंबी चली है कि लास्ट होते होते अनंत भाई ने भी गिव अप मार दिया। बस भाई अब रहने दो, अभी सुहागरात भी मनानी है। भाई सही बात है, भाई हमारा यहीं थक जाएगा तो रात को क्या करेगा। बात तो सही है। पूरी शादी में इतने सारे गेस्ट आए थे परंतु मुझे वहाँ सिर्फ दो ही बड़े आदमी दिखे, पहला तो अंबानी हिमसेल्फ, दूसरे हमारे खली सर। बस यही दो बड़े आदमी थे पूरी बारात में, बाकी सब गेस्ट तो खली के तक भी नहीं पहुंच रहे थे। He's still so vulgar. भाई साहब अंबानी को अगर कोई टक्कर दे सकता है ना तो वो ये बंदा। आज मेरे हर की शादी ही मन ने कोई रोको ना। अबे इतनी बड़ी माला, अबे मुझे ही दे दे यार, मेरा महीने का खर्चा चल जाएगा। अबे अकाउंट बैलेंस 0 हो रखा है मेरा। अबे तुम्हें मजाक लग रहा है, रुको मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, ये देखो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अबे 0 बैलेंस तो मेरे अकाउंट में तब भी नहीं थे जब मैंने ये खाता खुलवाया था, तब भी साले 500,000 रुपए तो होंगे ही। और आज की स्थिति ये है कि अकाउंट नेगेटिव में चल रहा है। भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाता है। एक तरफ अंबानी है जिनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि उनके वेडिंग केक की हाइट कम नहीं हो रही है। गजब। और दूसरी तरफ मेरे जियो का रिचार्ज खत्म होने को आ गया। वैसे रिचार्ज से मुझे याद आया, जियो के रिचार्ज महंगे हो गए। मतलब ये शादी यूं ही नहीं हो रही है, शादी वो कर रहे हैं, पैसे हम दे रहे हैं। भाई साहब यूं मान लो कि पूरे देश ने महंगा रिचार्ज करवा करवा के भाई की शादी कंप्लीट करवाई है। मतलब दूसरे शब्दों में आप यूं कह सकते हो कि शादी तो अनंत भाई की हुई है, कन्यादान पूरे देश ने किया है। पैसा ही पैसा हो गया।
भैया बड़ा आदमी ऐसे ही थोड़ी बना जाता है, दिमाग है बंदे के पास, क्या हो रहा है। पर अब शादी होने के बाद लोग जियो और एयरटेल को छोड़ के वापस फिर से अपनी देसी कंपनी बीएसएनएल की तरफ स्विच कर गए। ओ भाइयों ये देखो कैसे लाइन लगी हुई है बीएसएनएल के लिए। ओ भाइयों देखो देखो इतनी लाइन लग गई है सब सिम के लिए, सब महंगे रिचार्ज से बेचारे परेशान। भाई साहब मुझे तो पहले पता था ऐसा दिन आएगा, इसीलिए मैंने अपने कॉलेज के जमाने से बीएसएनएल की सिम को एक्टिव रखा था। ना कभी मैंने उस नंबर को बंद होने दिया, ना कभी पोर्ट कराया, और मस्त चलता भाई साहब। आज देखो मेरे कितना काम आ रही है बीएसएनएल की सिम। वैसे ही मेरे गरीबी के दिन चल रहे। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क। आओ बीएसएनएल मैं तुम्हारी पप्पी लूंगा। मो बता, रिचार्ज की बात करते करते हम मुद्दे से भटक गए। तो भैया लोगों को ना इस शादी में कई कमियां भी दिखी। मतलब लोगों को राधिका की विदाई कुछ जमी नहीं, लोग बोल रहे थे मतलब एकदम साधारण सी विदाई हो गई। अरे अंबानी जी अनंत की नहीं राधिका की विदाई हो रही है, आप कहे इमोशनल हो गए भैया। मतलब लोगों का कहना था कि विदाई तो ऐसी होनी चाहिए कि पूरे मोहल्ले को पता चले कि हाँ विदाई हुई है। अबे उठा के ले जानी पड़ रही है छोरी, ऐसे कौन से पाप कर दिए भैया वाने। और उठाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, क्या हो रहा है। लोगों को राधिका की शादी की ड्रेस से भी प्रॉब्लम थी। लोगों का कहना था कि राधिका ने अपने खसम का नाम ही नहीं लिखवाया चुन्नी पे, उसको भी लिखवाना चाहिए था अनंत की दुल्हनिया, या उसका फोटो लगवाना चाहिए था जैसे कि आजकल की लड़कियां कर रही हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। तीसरा लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि राधिका ने अपने साथ नीता अंबानी का ट्रेडिशनल तरीके से आशीर्वाद नहीं लिया। भाई देखो ये सब तो देखो रिवाज होते हैं, राधिका को ऐसा आशीर्वाद तो लेना चाहिए था। अबे यही तो है वो 360 चमत्कारी आशीर्वाद, बिना इस आशीर्वाद के राधिका की शादी अधूरी मानी जाएगी। भैया भैया सास बहू का रिश्ता बिना इस आशीर्वाद के अधूरा ही है, मत मानो तुम। मतलब स्टडी में पाया गया है कि जिस बहू ने अपनी सास के ऐसे आशीर्वाद लिए हैं उसका जीवन ससुराल में मस्त कटता है। अब तुम देख लो अपना अपना। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है। और सबसे जरूरी बात, राधिका का मोस्ट आइकॉनिक फोटो शूट तो हुआ ही नहीं, जिसमें दुल्हन को कुछ आइकॉनिक पोज करने होते हैं, लाइक तारों का चमकता गहना हो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये बढ़िया था गुरु। ये वाले पोज जरूरी होते हैं भैया, बिना इन पोज के शादी अधूरी मानी जाती है। और अनंत भाई की शादी तो भैया इतनी लंबी चली और कहाँ कहाँ नहीं दिखाई गई, सोशल मीडिया तो इसका गवाह ही है। मैं जैसे ही सुबह उठ के इंस्टाग्राम चलाता हूँ सीधा अनंत भाई की शादी में पहुँच जाता हूँ। बाकी हमारे अंबानी चाचा ने देसी बुर्ज खलीफा पे शादी को लाइव करा दिया। इसे बुर्ज खलीफा ना समझना, ये अंबानीज का ही घर है एंटीलिया। इस शादी ने ना हमको बहुत कुछ सिखाया, लाइक हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, गलत, लड़कियां सेट ही कामयाब आदमी से होती हैं, सही पकड़े हैं। दूसरी बात, हर बाप का एक बाप होता है और उसे हम दादाजी कहते हैं। बॉलीवुड वाले अपने आप को बहुत ज्यादा गुंडा समझते हैं, अंबानीज के आगे वो सभी के सभी भीगी बिल्ली बने घूमते हैं, सही पकड़े हैं। तीसरी बात, लुक्स डजंट मैटर बट मनी डज। भैया अगर लुक मैटर करता तो हमारे अनंत भाई को इतनी फूल सी लड़की कभी ना मिलती। तो अनंत भाई ने हमको सीधा सीधा क्या समझाया कि पैसा लाइफ में बहुत जरूरी है, तो कमाओ के। पता है बाकी सब तो ठीक है, पर ये कमेंट देख कर ना मुझे सच में दुख हुआ कि हमारे देश की लड़कियों की सोच एक्चुअली में जा कहां रही है, लड़कियों के दिमाग में इतनी गंदगी भर कैसे गई। मैडम कहती है कि अगर मैं राधिका होती तो मैं अनंत के साथ एक साल रहती, बच्चा करती, फिर उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाकर डाइवोर्स दे देती, उससे मोटा तगड़ा एलिमनी लेती, चाइल्ड मेंटेनेंस का पैसा लेती और अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेज देती, फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करती और मस्त जिंदगी बिताती। इस हिप्पोपोटामस के साथ कौन रहेगा। इसीलिए तो दीदी आप राधिका नहीं हो, अब जिनसे आपकी शादी हुई है उस बेचारे आदमी को भगवान बचाए। हम तो बस इतना ही कहेंगे, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर हमारी वीडियो में नहीं हो तो सब्सक्राइब करो यार, उसके बगल में जो बेल का निशान है उसे दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लो। अगर आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाए, उसकी लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट। हो गई सुनहर हो राजा जीतू।